वीर आला उदल की कहानी के एपिसोड 23 में आप सभी विद्वानों का, श्रोताओं का और भक्तों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। देखिए श्रोताओं, आज का वीडियो बड़ा रहस्यमय होने वाला है। आज के वीडियो में मैं ये बताऊंगा आपको कि मोहम्मद गौरी को भारत पर आक्रमण करने के लिए किसने आमंत्रित किया था। वास्तविक सत्यता इस वीडियो में आपको मिलेगी और पूरे प्रमाण सहित मिलेगी। जयचंद ने कभी भी मोहम्मद गौरी से हाथ नहीं मिलाया, यह मैं कई वीडियोज में बता चुका हूं। स्वयं महाराज पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था। अब आप ये कह रहे होंगे कि गुरुजी आप क्या कह रहे हैं, गलत वीडियो बना रहे हैं, परंतु नहीं, ये वास्तविक सत्य है। मोहम्मद गौरी को निमंत्रण दिया था महाराज पृथ्वीराज चौहान ने कि आप आए और दिल्ली पर आक्रमण करें और भारत पर आक्रमण करें। श्रोताओं, ये रहस्य जानने के लिए अंत तक हमारे साथ वीडियो में बने रहिए और जो भाई चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इतिहास की गुत्थियां इस चैनल पर सुलझाई जाती हैं। श्रोताओं, बात उसी समय की चल रही है, 11वीं सदी की, और 11वीं सदी में गजनी में एक छोटा सा राज्य था गजनी, और उसमें कबीलों का सरदार हुआ था मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी वहां का राजा था। खलीफा से अनुमति लेने के बाद वो बादशाह बन जाता है और उसने कई बार भारत पर आक्रमण किए। जब तक पृथ्वीराज चौहान छोटे थे, उससे पहले भी दिल्ली पर अनंगपाल तोमर पर आक्रमण किए, और अनंगपाल तोमर के बड़े भाई त्रिलोचन पाल तोमर थे, उन पर भी आक्रमण किए। कई बार दिल्ली पर आक्रमण कर चुका मोहम्मद गौरी मन में हताश हो जाता है कि अब मैं दिल्ली को नहीं जीत सकता, और उसने अपना रुख भारत के अन्य राज्यों की तरफ कर लिया कि दिल्ली पर अभी नहीं विजय प्राप्त की जा सकती, समय आने पर दिल्ली को फतेह करूंगा। यह उसकी अभिलाषा थी। और उस मोहम्मद गौरी का यह वीडियो मैं पृथ्वीराज रासो में से बना रहा हूं। पृथ्वीराज रासो में यह सब कुछ लिखा हुआ है, प्रमाणिक वीडियो है। पृथ्वीराज रासो के अनुसार मोहम्मद गौरी का एक छोटा भाई था और जिसका नाम था हसन खां, कहीं कहीं मीर हसन भी लिखा हुआ है, शहजादा मीर हसन। और शहजादा मीर हसन और मोहम्मद गौरी दोनों भाई थे। राजा या बादशाह तो मोहम्मद गौरी था और शहजादा मीर हसन वहां की सेना का सेनापति था, गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ। पृथ्वी राज चौहान के महाकवि चंद्र वरदाई ने स्वयं पृथ्वी राज रासो में यह लिखा है। और गजनी में एक बड़ी सुंदर वैश्या रहती थी, कहीं कहीं वैश्या भी लिखा गया है, कहीं कहीं उसे एक वजीर की पुत्री भी कहा गया है, जिसका नाम चित्ररेखा था, चित्रा था। चित्रा बड़ी सुंदर थी, खूबसूरत थी, जिसको देख करके कोई भी बादशाह उसे निकाह करने के लिए लालायित हो सकता था। और वह सुंदरी जब एक दिन मोहम्मद गौरी के नजर पड़ी तो मोहम्मद गौरी भी उससे निकाह करने के लिए मन में विचार करने लगा। परंतु ध्यान से सुनिए श्रोताओं, वह चित्रा मोहम्मद गौरी जैसे आताताई राजा को, आताताई बादशाह को बिल्कुल नहीं चाहती थी। और जो मोहम्मद गौरी का छोटा भाई था शहजादा मीर हसन, शहजादा मीर हसन योद्धा था, हष्ट पुष्ट सजीला युवक था, सुंदर था और स्वभाव बड़ा कोमल था। इसलिए जो चित्रा थी उसका रुझान मीर हसन की तरफ हो गया, वो मीर हसन को चाहने लगी। अब यहां से विवाद की जड़ पैदा होती है। चित्रा मीर हसन को चाह रही है और मोहम्मद गौरी चित्रा को चाह रहा है। दोनों भाई भाइयों के बीच एक नारी आकर के खड़ी हो जाती है और जिसने कलह के बीज बो दिए, जो गजनी में ही नहीं अपितु भारत में भी उनका फल
उगने की तैयारी हो रही है। उन बीजों से वृक्ष उगेगा भारत की भूमि पर भी। श्रोताओं, जब मोहम्मद गौरी ने उसो चित्रा से कहा कि तू मेरे साथ निकाह कर ले, तो चित्रा ने मना कर दिया और मोहम्मद गौरी ने बलपूर्वक उससे निकाह करना चाहा कि तू मेरे राज्य में रहती है और मुझसे विरोध कर रही है, मेरे साथ तुझे निकाह करना ही पड़ेगा, तेरी इतनी जुर्रत कि तू मुझसे मना करने का दुस्साहस कर रही है। परंतु देखिए श्रोताओं, चित्रा टस से मस नहीं हुई और वो अपनी बात पर अड़िग रही कि मैं महाराज शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी तुमसे विवाह नहीं करूंगी। और मोहम्मद गौरी ने उस चित्रा को जेल में डलवा दिया। उसकी सुरक्षा में कुछ पहरेदार लगा दिए गए। तो इस बात का पता शहजादे मीर हसन को चलता है कि इसने मेरी प्रेमिका चित्रा को जेल में डलवा दिया है। तो वो चित्रा को छुड़ाने के लिए मीर हसन मध्य रात्रि में चलता है और जहां जो जेल थी जिसमें चित्रा बंद थी, उसके समस्त पहरेदारों को मार देता है, पहरेदारों का कत्ल कर देता है और वहां से चित्रा को निकाल लेता है। चित्रा को निकाल करके अपने साथ लिया और घोड़े पर बैठाया और भारत की तरफ भागने लगी, क्योंकि वह जानता था कि मुझे यदि कहीं शरण मिलेगी तो भारत में मिलेगी। भारत के राजपूतों का यह सिद्धांत रहा है, यह उसूल रहा है कि वो शरण में आने पर तो कितना भी बड़ा दुष्ट आ जाए, कितना भी बड़ा पापी आ जाए, उसका त्याग भी नहीं करते। ये भारत के राजपूतों के सिद्धांत थे। ऐसा सोच करके मीर हसन चित्रा को लेकर के भारत की तरफ भाग रहा है। और जब ये प्रातःकाल हुआ और वहां जो जेल थी वहां देखा कि यहां के पहरेदार मरे हुए हैं, तो सेनापति ने मोहम्मद गौरी को जाकर के सूचना दी कि महाराज तुम्हारे भाई शहजादे मीर हसन ने जेल के जितने भी पहरेदार थे सबको मार डाला और चित्रा को लेकर के भारत की तरफ भाग गया है। यह बात मोहम्मद गौरी ने सुनी तो चित्रा को पाने के लिए लालायित मोहम्मद गौरी अपने कई हजार सैनिक योद्धाओं को पीछे भेजता है मीर हसन के कि जाओ उसको पकड़ लो, जीवित नहीं बच जाना चाहिए, जिंदा या मुर्दा मेरे पास जरूर लाना है। श्रोताओं, मोहम्मद गौरी के सैनिक मीर हसन का पीछा कर रहे हैं और मीर हसन भारत की तरफ भगा हुआ चला आ रहा है। मीर हसन भी यह जानता था कि उस समय दिल्ली का जो राज्य था वहां एक शक्तिशाली शासक पृथ्वीराज चौहान नाम से राज्य किया करते थे, जो बड़े ही वीर थे, बड़े योद्धा थे और जिनकी गाथाओं का उस समय बोलबाला था। तो मीर हसन मन में विचार करने लगा कि मुझे यदि शरण मिलेगी तो कोई बड़ा सम्राट ही शरण देगा, या तो मुझे कन्नौज जाना होगा और या मुझे दिल्ली जाना होगा। ऐसा सोच करके वह दिल्ली की तरफ रुख कर लेता है अपना। सभी राज्यों को पार करता हुआ दिन रात का सफर करने के बाद मीर हसन कुछ दिन में दिल्ली की सीमा में दाखिल हो जाता है, दिल्ली की सीमा में प्रवेश कर जाता है और मोहम्मद गौरी के सैनिक उसका पीछा करते हुए भी दिल्ली की सीमा में प्रवेश कर गए। महाराज पृथ्वीराज चौहान उसी समय उन दिनों घूमने के लिए घोड़ा पर चले जा रहे थे आखेट करने के लिए, और जब उन्होंने देखा कि उनके राज्य की सीमा में बहुत से सैनिक, एक स्त्री और एक व्यक्ति, एक आदमी का पीछा कर रहे हैं जो कि सरासर अन्याय लगता है, और उन्होंने देखा कि उन सैनिकों ने चारों ओर से उस स्त्री को और उस आदमी को घेर लिया है और तलवारें चल रही है, अकेला वीर योद्धा बार पर बार सहे जा रहा है, घनघोर तलवारों की झनकार उड़ रही है और वह वीर रणभूमि में ऐसे अड़िग है जैसे एक पर्वत अड़िग हो। श्रोताओं, ध्यान से सुनने की बात है, महाराज पृथ्वीराज चौहान ने यह देखा कि इसको अकेले को ये क्यों मार रहे हैं, मुझे चलकर के इसको बचाना चाहिए और जो भी मेरे राज्य की सीमा में। पृथ्वीराज चौहान का राजपूती धर्म जागृत हो गया और उसे बचाने के लिए आगे आया।
मीर हसन को, सैनिकों ने मीर हसन को पृथ्वी पर पटक लिया था। तलवारों के प्रहार से जगह जगह घाव हो गए थे, मरणासन्न स्थिति में आ गया। और उसी समय पृथ्वीराज चौहान उन सैनिकों के बीच में अपनी तेग अड़ा देते हैं। सैनिकों से कहा, तुम नहीं जानते ये भारत की भूमि है, और इस भूमि पर कोई अन्याय करता है तो अन्याय करने वाले की गर्दन को धड़ से काट दिया जाता है। श्रोताओं, जब ये बात उन सैनिकों ने सुनी तो उनकी संख्या हजारों में थी। पृथ्वीराज से कहने लगे, तुम कौन हो? तुम जो कर रहे हो वो बहुत गलत करने जा रहे हो। ये तो मर गया, तुम क्यों मर रहे हो? परंतु महाराज पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि ये मरा नहीं है, ये जीवित है। महाराज पृथ्वीराज चौहान पर वो सैनिक उल्टे पड़े और महाराज पृथ्वीराज चौहान पर वो आक्रमण करने लगे। और महाराज पृथ्वीराज चौहान एक धवल थे, बड़े भारी विकट तलवारबाज योद्धा थे। उन्होंने उन सैनिकों को कुछ ही क्षणों में धराशायी कर दिया। जितने भी मोहम्मद गौरी के सैनिक थे महाराज पृथ्वीराज चौहान ने काट डाले, समस्त सैनिकों को मार दिया। कुछ बचे हुए सैनिक भाग जाते हैं वापस गजनी की तरफ, और मीर हसन को और चित्रा को महाराज पृथ्वीराज चौहान जाकर के देखते हैं तो मीर हसन करहा रहा है, युद्ध भूमि में घायल हो गया, सब तरफ घाव लगे हुए हैं, पूरा शरीर रक्त से लथपथ हुआ है। महाराज पृथ्वीराज चौहान ने उसको संभाला, उसको उठाया और उसकी पत्नी चित्रा के सहयोग से उसको घोड़े पर बैठाया, और घोड़े पर बैठा करके उन दोनों को सम्मान सहित दिल्ली ले आया। श्रोताओं, महाराज पृथ्वीराज चौहान से चित्रा और मीर हसन कहने लगे कि हे वीर युवक, आप कौन हैं? आपने हमारी जान बचाई और शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी जैसे शक्तिशाली शासक से बैर मोल लिया, आप अपना परिचय अवश्य दें। तो महाराज पृथ्वीराज चौहान कहने लगे कि वीर, मैं दिल्ली नरेश पृथ्वीराज चौहान हूं, और मेरे राज्य में कोई अन्याय नहीं कर सकता। मेरे राज्य में एक सैनिक को इतने सैनिक मारे और मैं खड़ा देखूं, ऐसा संभव नहीं है। मीर हसन कहने लगा, महाराज आपने सीधे सीधे शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी से बैर मोल ले लिया। पृथ्वीराज चौहान कहने लगे कि धर्म की रक्षा के लिए एक नहीं हजारों मोहम्मद गौरियों से बैर मोल लेना पड़े तो भी कोई बड़ी बात नहीं होगी, मैं बैर लेने के लिए तैयार हूं। श्रोताओं, उन दोनों को महाराज पृथ्वीराज चौहान दिल्ली में रख लेते हैं, अपनी शरण में, शरण दे दी महाराज पृथ्वीराज चौहान ने। और यही से पृथ्वीराज चौहान की दुश्मनी मोहम्मद गौरी से बढ़ जाती है। उन सैनिकों ने दौड़ करके जो वापस बच गए थे, वापस पहुंचे गजनी, और संपूर्ण वृतांत शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी को सुनाया कि महाराज दिल्ली की सीमा के भीतर और एक वीर योद्धा ने हमारी संपूर्ण सेना को धराशायी कर दिया, और उन दोनों चित्रा और मीर हसन को हमारे हाथों से निकाल करके ले गया। शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी का दिमाग सरक जाता है, विचार करने लगा कि स्वयं दिल्लीपति पृथ्वीराज चौहान होगा, और इसके लिए उन्होंने अपना एक गुलाम था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को बुलाया और कुतुबुद्दीन ऐबक से कहा कि कुतुबुद्दीन, तुम शीघ्रता से जाओ भारत में और यह जांच करके आओ कि जो मीर हसन और चित्रा को जिसने शरण दी है वो कौन सा राज्य है, उसका पता तुम्हें लगाना होगा। हम उसे कत्लेआम करेंगे, उसको छोड़ेंगे नहीं, उसके राज्य को धूल में मिला देंगे। तो देखिए श्रोताओं, स्वयं गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक मीर हसन को, चित्रा को खोजने के लिए भारत में आ जाते हैं और देख रहे हैं कि किस राज्य में शरण दी है चित्रा को और मीर हसन को। श्रोताओं, यहीं से महाराज पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को आमंत्रित कर दिया सीधी टक्कर लेने के लिए कि भारत में भी एक वीर योद्धा है जो किसी भी योद्धा से टकरा सकता है। अब कुछ लोग यह कहते हैं कि जयचंद ने आमंत्रित किया था मोहम्मद गौरी को, जबकि
यह साफ साफ लिखा हुआ है पृथ्वीराज रासो में कि स्वयं महाराज पृथ्वीराज चौहान ने मीर हसन को शरण दे दी थी और इस वजह से मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बन गए थे। अब यहां से आगे का वर्णन कि क्या मीर हसन को खोज पाएगा गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक या नहीं, अगले वीडियो में लेकर के आपकी सेवा में उपस्थित हो जाऊंगा। तब तक के लिए आप सभी से चाहता हूं अनुमति इस वीडियो को विराम देने की। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।